देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। आज ही के दिन सन 1950 में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज देश में क्या राजनीतिक पार्टियां और क्या राजनेता सभी मोदी जी को शुभकामनाएं और बधाइयां देने में जुटे हैं, लेकिन पंचकूला की अगर बात की जाए तो यहां मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाना जरा खास हो जाता है। खास इसलिए कि ये पंचकूला के सेक्टर 7 स्थित वही घर है जहां संघ से जुड़े नरेंद्र मोदी ने पार्टी के लिए काम करते हुए यहां लंबा अरसा बिताया, यानी इस घर में वो रहे। यहीं पर उनकी मुलाकात हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से भी हुई थी। उन्हीं यादों को उन्होंने ताजा किया। तब शायद उस वक्त किसी को भी पता नहीं होगा कि संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के चलते इस पंचकूला स्थित मोदी के उस समय के निवास पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद रतन कटारिया और भाजपा की पूर्व विधायिका लतिका शर्मा के अलावा भाजपा के कार्यकर्ता भी बड़ी गिनती में पहुंचे हुए थे। भाजपा नेता व प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्त को याद करते हुए हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कुछ यादें अर्थ प्रकाश से साझा की। और जहां अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं केवल 100 गज की दूरी है। मैं सुबह सैर करने जाता था और जो ही सैर करके वापस आता था तो नरेंद्र मोदी जी के पास जब भी वो यहाँ होते थे जरूर मिल करके जाते। तो उनके जीवन का मैं कहूँगा वो जो 5 वर्ष थे उन्होंने एक तपस्या के रूप में एक यहाँ पर एक जो इस घर के अंदर रह करके उन्होंने कार्य किया, जिस प्रकार से संगठन को खड़ा किया और संगठन के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से तराशा। हाँ, कई बार स्कूटर पर भी घूमना हुआ और बल्कि तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें संगठन की कला सिखाई, संगठन का काम करने का तरीका सिखाया। मैं समझता हूँ कि एक वो कहते थे कि पार्टी को खड़ा करना है तो प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक जाति से, प्रत्येक स्थान से कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना होगा। देश के प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाजपा महिला कार्यकर्ताओं की ओर से एक कलश यात्रा यहां से शुरू की गई जो माता मनसा देवी मंदिर पहुंची, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना करते हुए हवन यज्ञ किया गया। अद्य श्री ब्रह्मानंदस्य प्रारब्धे श्री स्वित 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे 28वें कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे वर्तखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रे पंचकुला जनपदांतर्गते श्री माता मनसा देवी सिद्धपीठे तत्रापि यज्ञशालायां अमुक संवत्सरे आनंदनाम संवत्सरे अमुक संघके संवत्सरे अष्ट सप्ततेः अधिकम जे सहस्र। इस आयोजन में शिरकत करने के लिए भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया और पूर्व विधायिका लतिका शर्मा भी पहुंची थी। साथ ही यहां पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिरायु होने की प्रार्थना की। वहीं मोदी जी के 71वें जन्मदिन के मौके हरियाणा बीजेपी की ओर से भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और साथ ही मोदी के 71 साल के होने पर 71,000 पौधे भी प्रदेश भर में रोपित किए जाएंगे, ये जानकारी दी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने। मोदी जी 71 वर्ष के हो गए हैं। आज हमने मनसा देवी में पूजा करके आज उनका, क्योंकि आज मोदी जी देश की अपेक्षाओं और आशाओं के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया इस मंत्र के साथ हमने वहाँ पूजा करके शुरू किया है। आज 71 स्थानों पर ब्लड डोनेशन उनके जन्मदिन के निमित्त हम करने वाले हैं। कुछ आज होगा, कुछ कल, कुछ परसों भी होंगे। 71,000 पौधे उनके जन्मदिन के निमित्त हम लगा रहे हैं। देश में हर कोई अपने तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें शुभकामनाएं देने में जुटा है, लेकिन पंचकूला के लिए ये जन्मदिन खास होता है क्योंकि अपने संघ के कार्यकाल के दौरान मोदी यहां रहे, इसलिए ये खास हो जाता है। अर्थ प्रकाश के लिए पंचकूला से कैमरामैन दीपक के साथ दिनेश दीक्षित की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।